ये वीडियो बहुत दिनों के बाद अपलोड हो रही है क्योंकि हम बिजी थे किसी काम में, लेकिन फाइनली 2000 सब्सक्राइबर्स हमने कंप्लीट कर लिए। ये आपकी वजह से मुमकिन हो सका है और आप सबका थैंक यू, और कीप सपोर्टिंग अस एंड शो योर लव विद स्वीट कमेंट्स। अब वीडियो का मजा लीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्शद, माय नेम इज अदनान, और आप देख रहे हैं इस प्रेजेंट चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं डायरेक्ट करने वाले स्टूडियो का नाम है थलापति विजय सीन्स ऑफ वेत्री फिल्म। वेत्री थलापति की सबसे पहली मूवी थी, उनका फर्स्ट स्टेप था एक्टिंग में, और इस वीडियो में हम देखेंगे वेत्री के कुछ सीन्स। ये फिल्म 1984 में रिलीज हुई थी, थलापति विजय की पहली फिल्म थी, और हम देखना चाहते हैं कि थलापति विजय की जो पहली फिल्म थलापति विजय जो पहले रोल जो उनके उनका जो रोल था फिल्म में वो था एक बच्चे का रोल था, तो वो हम देखना चाहते हैं थलापति विजय की पहली फिल्म की पहले सीन्स। तो हमने बहुत टाइम पहले हमने कहा था कि आगे चलकर वेत्री फिल्म के वीडियो सीन्स पर रिएक्ट करेंगे, और आई थिंक उस मूवी में तो वो टीनेजर भी नहीं होंगे, वो इतने छोटे हैं। हाँ, बच्चे का रोल है कुछ ऐसा। तो इंटरेस्टिंग है वीडियो, आप भी देखिएगा। तो ओरिजिनल वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो पक्का चेक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। तो लव यू गाइस, 1, 2 and 3। ये है यस हाँ, लग रहे हैं क्यूट से थलापति बहुत ही। तू आ गई, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मार दूंगा। हाँ, विजय के मन में लड्डू फूटा। Not coming slow. அறிஞர் அண்ணா இளமையில் அன்பும் அருளும் உடையவராய் விளங்கினார். நட்பு உணர்வும் நல்ல பண்பும் அவரிடம் இயற்கையாகவே அமைந்திருந்தன. அப்பா கார் வந்திருக்குப்பா. சரி, நீ படிச்சுட்டு நான் போய் காருக்கு பெட்ரோல் போட்டு வந்துடுறேன். நான் செஞ்ச கொலையை பார்த்தது தப்பு, அத போய் போலீஸ்ல சொன்னையே அதை விட தப்பு. நாளைக்கு கோர்ட்ல போய் சாட்சி சொல்ல போறையே அது மன்னிக்க முடியாத தப்பு. நீ கோர்ட்டுக்கு வந்தா நான் கூண்டுக்கு போகணும், நீ மேல போயிட்டா இதெல்லாம் மறைக்கிறதுக்காகத்தான் பந்தயம் கட்டுற பழக்கத்தை நான் விளையாட்ட பழகிட்டேன். ஏண்டா இப்படி பயங்கரமான ஒரு கொலகாரன் சட்டம் சும்மா விட்டுருக்கு. சட்டம் பைத்தியக்காரா? அந்த சின்ன வயசு சட்டத்தை பத்தி எனக்கு சரியா தெரியாது, அதனாலதான் கோர்ட்டுக்கு போனேன். அவனுக்கு எப்படியாவது தண்டனை வாங்கி கொடுத்துடலாம். இந்த வழக்கை தீர விசாரித்ததில் இந்த சிறுவனின் தந்தையான சுந்தரேசன் இறந்த சமயம் மிஸ்டர் தர்மராஜ் அவர்கள் ஒரு பெரிய மனிதர் வீட்டின் விருந்தில் கலந்து கொண்டிருந்தார் என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதால் மிஸ்டர் தர்மராஜ் அவர்கள் குற்றவாளி இல்லை என்பதும், திரு சுந்தரேசன் குடும்ப தொல்லையின் காரணமாக தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்பதும் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
அன்னைக்கு சட்டம் அவனை விட்டுடுச்சு ஆனா இன்னைக்கு நான் அவனை விட போறேன் எங்க அப்பாவை எங்க கொலை செஞ்சானோ அங்கேயே எப்படி கொலை செஞ்சானோ அப்படியே அவனை கொலை செஞ்சு வெறிய நான் தீர்த்துக்க போறேன் டேய் விஜய் அவசரப்படாத நீ கொலகாரம் இல்லைங்கிறத நிரூபிக்கணும்னா அந்த தர்மராஜ பிடிச்சு கோர்ட்ல நிறுத்தி ஆகும் அதை விட்டுட்டு அவனை கொலை செஞ்சிட்டீங்கன்னா வாழ்நாள் கூட நீ குற்றவாளியாவே இருக்கணும் அப்புறம் தங்கச்சி கல்யாணம் நடக்க போறது இல்ல உங்க அம்மா ஆசையை நிறைவேற போறது இல்ல நான் பைத்தியக்காரன் இல்லடா அவனை பிடிச்சு சட்டத்துக்கு முன்னால நிறுத்தி நான் நிரபராதி நிரூபிச்சு என் தங்கச்சி கல்யாணத்தை நடத்துவேன் அதுக்கு பிறகு என் கையாலே அவனை பழி வாங்குவேன் இது ரெண்டையும் நீ எப்படா செய்ய போற புத்திசாலிக்கு ஆயுதம் தேவையில்லடா அவன் கையில சட்ட புத்தகம் இருந்தாலே போதும் என்ன हमेशा की तरह यार वो बचपन में भी कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं और हम आज तक मतलब टीनेजर भी हो गए हैं लेकिन हम अच्छी नहीं कर सकते क्या क्या जबरदस्त एक्टिंग थी तलपति विजय की हमने पहली बार ऐसी तलपति विजय की जो पहला बचपन वगैरह था या पहली फिल्म थी वो हमने देखी काफी मजा आया और काफी इंटरेस्टिंग रोल लग रहा है तलपति विजय का तो जितने सीन्स हमने देखे तो सीन्स के हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग लग रही है और हमें जरूर देखनी चाहिए तो हम कुछ ही टाइम के बाद हम ये फिल्म देखेंगे और कुछ सॉन्ग्स वगैरह कुछ ऐसे ढूंढेंगे बिल्कुल छोटे थे तलपति विजय और उनके फोटो जो थे हमने उस पर ही वीडियो बनाई थी बहुत सारे फोटोज थे वो बचपन मैगजीन वगैरह कुछ ऐसे आपको वीडियो देखनी है तो हम आपको लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में नीचे तो आज के लिए बस इतना ही अगर हमारी वीडियो पसंद हमारी वीडियो जरूर लाइक करें कमेंट शेयर करें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लव यू गाइस